पुरानी कहावत है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि भारतीय कंपनियां कि भारत अब चीनी कंपनियों को खरीदने लगा है? जी हाँ, बिल्कुल सही खबर है, और वो भी दिग्गज चीनी कंपनियों को। चीन का पासा ठीक चीन के ऊपर ही उल्टा पड़ा है, जबकि IMF ने जो ऐलान किया है उससे पूरी तरीके से टूट गया है चीन। तो वही सबसे बड़ी खबर, क्या पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को मोसाद उड़ाएगा? इजराइल से पाकिस्तान की क्या है दुश्मनी, और क्या पाकिस्तान के टॉप वैज्ञानिक मोसाद की नजरों में है? आखिर मोसाद और पाकिस्तान का क्या चक्कर है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। महामारी का वो समय तो आपको याद ही होगा, जब चीन ने कई देशों में कंपनियों को खरीदने का दौर शुरू कर दिया था, और उस वक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन ने दुनिया के कई देशों में शुरू कर दिया था। जब देशों ने इस पर नजर डालना शुरू किया तो पता चला चीन तो दरअसल सस्ते दामों में, चूंकि महामारी है, अर्थव्यवस्था ढीली है ऐसी देशों की, तो सस्ते दामों में बड़े बड़े हिस्से पे हिस्सेदारी ले रहा है। इससे क्या होगा, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर चीन का कंट्रोल बहुत तेजी से हो जाएगा। अब जिन देशों को ये चीन की चाल समझ में आई, उन्होंने फटाफट अपनी नीतियां बदलना शुरू कर दिया, जिसमें भारत भी वो देश था जिसने तुरंत FDI नामक नई नीति ले आई, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो वो सबसे पहले भारतीय सरकार के पास आएगी, सरकार जांच करेगी, तब फिर इन्वेस्टमेंट करने देगी। तब चीन बहुत बौखलाया था भारत की FDI नीति पर। चीन ने कहा था ये बहुत गलत कर रहा है भारत, क्योंकि चीन के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे थे और मंसूबों में भारत ने बड़ा रोड़ा अटका दिया। अब इस वक्त चीन के हालात बहुत खराब हैं। एक तरफ जहां महामारी ने परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा और एनर्जी की क्राइसिस, यानी ऊर्जा का कम होना, ये सब कुछ चीन को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। अगर यकीन नहीं है, आप सोचेंगे चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो क्या दिक्कत है, अरे थोड़े बहुत तो समस्याएं हर देश में आती हैं, वो फिर ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बता दें, IMF ने एक डेटा रिलीज किया है। IMF ने पिछले साल ये कहा था कि चीन की ग्रोथ रेट रहेगी 8.4%, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि विदेशों ने अब निवेश करना कम कर दिया, चीन के ऊपर से विश्वास हटने लगा। और अब जो नई डेटा रिलीज हुई है, उस नई डेटा के मुताबिक चीन की ग्रोथ रेट अगले साल के लिए होगी 5.6%, जबकि भारत की होगी 8%। अब भारत की तुलना में इसकी ग्रोथ रेट को कम दिखाया गया है। आप सोचेंगे $3 trillion है चीन की अर्थव्यवस्था, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा उसको, इससे फर्क पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बूंद बूंद से घड़ा घटता भी है, और ये वाला बूंद बड़ा बूंद है। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो ये देखता है कि उसकी ग्रोथ रेट कैसी है। ग्रोथ रेट अच्छी है मतलब रिटर्न अच्छा होगा। ऐसे में अगले साल के लिए जो बताया गया है 5.6%, अगर चीन में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको भारत की तुलना में कम मिलेगा, और भारत में कोई कर रहा है तो उसे चीन की तुलना में ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है कि निवेशक भारत की तरफ और ज्यादा आकर्षित होंगे। अब चीन के घड़े से जहां 2 बूंद निकला था, अगले साल 10 बूंद निकलेगा, और ऐसे करके चीन का घड़ा खाली होना शुरू हो जाएगा। पर मजे की बात अभी बची हुई है। बात यह है कि अब चीन का पैतरा चीन के ऊपर भारी पड़ रहा है, और भारत ने चीनी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया है। और जान लीजिए, चीन की बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है REC सोलर होल्डिंग, REC ग्रुप, ये चीन की नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कॉरपोरेशन की ही कंपनी है, और इसे अब भारत के रिलायंस इंडस्ट्री यानी मुकेश अंबानी ने खरीद लिया है। $771 million में इस कंपनी को खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्री ने। ये दरअसल सोलर प्लेटें बनाने का, सोलर एनर्जी का जहां काम होता है, उन चीजों को बनाने का काम करती है। ये REC कंपनी एक जाना माना नाम है, जिसके पास 600 से ज्यादा डिजाइन पेटेंट्स हैं। तो अब भारत ने चीन को उसी की जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। हमने आपको बतलाया हुआ था कि आजकल पाकिस्तान बार बार इजराइल का नाम ले रहा है। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में भी इजराइल का नाम
काम लिया, जिससे समझ में आ रहा है कि इजराइल कुछ तो बड़ा झटका दे रहा है पाकिस्तान को। भारत के साथ इजराइल की दोस्ती है ये जग जाहिर है, लेकिन इजराइल से मुस्लिम देश खास करके जो उसके विरोधी हैं बहुत खौफ खाते हैं, और उसमें से एक पाकिस्तान भी है जो बहुत खौफ खाता है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो आर्मेनिया को भी देश नहीं मानता है। इजराइल के लिए उसके विरोधी तेवर हमेशा से रहे हैं, पर अब जो बड़े खुलासे हो रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल का एक्शन जारी है, और ये एक्शन किसी छोटे मोटे लेवल पे नहीं बल्कि काफी बड़े लेवल पे है। एक वक्त था, आपको बता दें, जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, तब कथित तौर पर इजराइल ने भारत को ये कहा था कि आप हमारे साथ पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए और पाकिस्तान के इस पूरे परमाणु संयंत्रों को हम लोग बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान में तबाही मचा देंगे। पर भारत इस मसले को लेकर आगे नहीं बढ़ाता। पर अब जैसा कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की मौत हो गई। अब्दुल कादिर खान की मौत के बाद एक इजरायली खोजी पत्रकार योसी मेलमेनन ने एक बड़ा दावा किया है, एक बड़ा खुलासा किया है। इस पत्रकार के अनुसार पाकिस्तान के टॉप के वैज्ञानिक और पाकिस्तान के परमाणु विभाग पे बहुत कड़ी नजर है मोसाद, और जो अब्दुल कादिर कुछ दिनों पहले मारे गए उसको निशाना बनाता मोसाद। दरअसल अब्दुल कादिर ने परमाणु बम टेक्नोलॉजी को चुराया और चुराकर न सिर्फ पाकिस्तान को दिया बल्कि ईरान को भी दिया और दुनिया के कई मुस्लिम देशों को दिया। ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है इजराइल। ऐसे में इजराइल ने ये कहा कि खान के बारे में पता करने में थोड़ी देर हो गई, वरना अगर खान के इरादे जान जाता इजराइल कि ये अब्दुल कादिर खान ईरान को पहुंचाने वाला है परमाणु बम की टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले टीम भेजता अब्दुल कादिर खान को ऊपर भेजने के लिए। मोसाद के चीफ और मोसाद के बाकी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये वक्त था जब इतिहास को बदल दिया जाता और पाकिस्तान लायक नहीं रह जाता किसी और देश तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए। वैसे आपको बता दे, मोसाद का पाकिस्तान के ऊपर अभी भी कड़ी नजर है कि पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए क्या क्या करता है, और नए जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, वो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। भविष्य में अगर कोई बड़ा एक्शन मोसाद का पाकिस्तान के ऊपर हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल का एक्शन वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।